नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचआरआई न्यूज पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके देश दुनिया की सभी बेहद बड़ी खबरें। आगे इसी वीडियो में जानेंगे फटाफट अंदाज में, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले, फेसबुक व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा, फैलाते हैं फेक न्यूज और नफरत। ये यहां पर जबरदस्त हमला बोला है राहुल गांधी ने। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं, वे इसके माध्यम से फर्जी खबरें और लगातार नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी ने एक खबर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि बीजेपी और आरएसएस का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है, वे इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम करते हैं, वे इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। असल में दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, फेसबुक के कर्मचारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नफरत फैलाते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्चुअल दुनिया में नफरत वाली पोस्ट करने से असली दुनिया में हिंसा और तनाव बढ़ता है। अब आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। अमेरिका के समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता टी राजा ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देनी चाहिए, मुस्लिमों को देशद्रोही बताया था और मस्जिद गिराने की भी धमकी दी थी। इसका विरोध फेसबुक की कर्मचारियों ने जबरदस्त तरीके से किया और इसे कंपनी के नियमों के खिलाफ माना था। हालांकि कंपनी के भारत में बैठने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया था। अब फेसबुक की विश्वसनीयता को लेकर के भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी पूरे मामले पर राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला बोला है बीजेपी और आरएसएस पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ राजस्थान में 39 जगह केस हुए हैं दर्ज। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी की एक टीवी डिबेट के बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अब यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर के राजस्थान में युवा कांग्रेस की ओर से संबित पात्रा पर अमर्यादित जातिगत और धार्मिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के नेताओं ने उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज करवाया है। आप लोगों को दोस्तों खबर के अनुसार बताते चलें, भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ 33 जिलों में 39 जगह पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में कहा गया है कि एक टीवी डिबेट के दौरान संबित पात्रा ने राजीव त्यागी को इंगित करते हुए अमर्यादित जातिगत एवं धार्मिक टिप्पणी की, इससे त्यागी पर बेहद ही गहरा असर पड़ा। उस डिबेट के कुछ वक्त बाद ही हार्ट अटैक होने से उनकी मृत्यु हो गई। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि संबित पात्रा के खिलाफ लगातार देश भर के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर दर्ज हो रही है और उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं, 3 महीने के लिए बढ़ाई गई डॉक्टर कफिल खान पर रासुका, तो उनकी पत्नी बोली लोगों की सेवा करना ही डॉक्टर कफिल का गुनाह है। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बीते साल मोदी सरकार के द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के खिलाफ भाषण देने के आरोप में गोरखपुर के डॉक्टर कफिल खान को रासुका के तहत जेल में रखा गया है। और इस बीच ये डॉक्टर कफिल खान की रिहाई का मामला हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेश दिया कि 15 दिनों के भीतर डॉक्टर कफिल खान की रिहाई पर फैसला लें, लेकिन इस बीच अब खबर सामने आई कि उन पर रासुका और भी बढ़ा दी गई है। इस पूरे मामले पर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, डॉक्टर कफिल खान की पत्नी ने डॉक्टर कफिल की रिहाई के समर्थन में आवाज उठाने की गुहार लगाई है और जनता से समर्थन की मांग की है सोशल मीडिया पर। उनका कहना है कि डॉक्टर कफिल खान पर रासुका लगाए जाने पर मैंने सरकार से यही सवाल पूछा था कि उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया है, किस वजह से उन पर रासुका लगाई गई है। जो डॉक्टर हमेशा समाज सेवा के काम में लगा रहता है उससे देश को आखिर क्या खतरा हो सकता है, ये उन्होंने यहां पर जानने की योगी सरकार से कोशिश की। लेकिन देख सकते हैं कि इस पूरे मामले में योगी सरकार की तानाशाही लगातार साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि कैसे योगी सरकार
डॉक्टर कफिल खान के साथ नाइंसाफी कर रही है और अपनी तानाशाही लगातार कायम रखे हुए है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। दोस्तों, अगर आप लोग भी डॉक्टर कफिल खान के समर्थन में खड़े हैं और उनकी जल्द से जल्द रिहाई की मांग करते हैं, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके डॉक्टर कफिल खान के समर्थन में जरूर आवाज बुलंद कीजिए। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट पर बोले हैं असदुद्दीन ओवैसी, कहा फेसबुक के साथ बीजेपी के संबंधों का हो गया है खुलासा। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अब फेसबुक के साथ बीजेपी के संबंधों का खुलासा हो गया है। फेसबुक के कर्मचारी बीजेपी के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अलग अलग लोकतंत्रों में फेसबुक के अलग अलग मानक क्यों हैं, यह किस तरह का निष्पक्ष मंच है, यह रिपोर्ट बीजेपी के लिए नुकसानदेह है, यह समय है कि बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का खुलासा हो गया है और फेसबुक कर्मचारी पर बीजेपी के नियंत्रण की भी प्रकृति सामने निकल के आई है। यह यहां पर जबरदस्त हमला बोला है असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर। देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी से लेकर के ओवैसी तक हमलावर हो चुके हैं केंद्र की मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, एलआईसी का आईपीओ जारी करने के विरोध में कर्मचारी 24 अगस्त से शुरू करेंगे बड़ा प्रदर्शन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से एक एक करके सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके खिलाफ देश भर के ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम को बचाने के लिए कंपनी के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एलआईसी कर्मचारियों का देश का सबसे बड़ा संगठन AIIEA, जो कि 85% से अधिक बीमा कर्मचारियों का नेतृत्व करता है, उसने एलआईसी को बचाने की मुहिम छेड़ रखी है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ 24 अगस्त से शुरू होगा बड़ा प्रदर्शन। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका, मंत्री श्याम रजक आरजेडी में हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। बिहार सरकार की उद्योग मंत्री और पार्टी के दलित चेहरे श्याम रजक ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक श्याम रजक पिछले कई दिनों से पार्टी में अपनी अवहेलना से काफी परेशान थे और इस बीच राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि श्याम रजक पार्टी छोड़ने के बाद फिर से अपने पुराने घर यानी कि आरजेडी में वापसी कर सकते हैं। और यहां पर देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगा है तगड़ा झटका। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, चीन से सीमा विवाद को लेकर के राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा मोदी के सिवाय हर किसी को सेना पर विश्वास है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारत चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी को जबरदस्त तरीके से घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री के अलावा हर कोई भारतीय सेना की क्षमता और वीरता में विश्वास करता है, जिनकी कायरता ने चीन को हमारी जमीन लेने की अनुमति दी, जिनका झूठ सुनिश्चित करेगा कि वो चीन के पास ही रहेगी। ये यहां पर राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला बोला है पीएम नरेंद्र मोदी पर। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।